तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सेल्फ आईब्रो थ्रेडिंग कैसे करेंगे। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि मैं खुद से अपनी आईब्रो बना के दिखाई, और आप देख सकते हो मेरे आईब्रो की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो चलिए मैं बनाने वाली हूँ अपनी आईब्रो, एंड आप भी खुद से अपने घर पर अपना आईब्रो बनाना चाहते हो तो इस तरीके से फॉलो कर सकते हो सारे स्टेप, एंड अपना आईब्रो खुद से परफेक्ट वे में बना सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम लोग आईब्रो हमारी, देखिए मेरी वाली आईब्रो बिल्कुल भी बहुत कम है, यहाँ पे भी ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे भी ग्रोथ नहीं है, और ये वाली बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम लोग पार्लर में जाते हैं तो थ्रेडिंग हमारी अक्सर बिगड़ जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं खुद से बना लें, बट खुद से बनाना कोई इजी काम तो है नहीं। तो फिर भी मैं स्टार्ट करती हूँ एंड खुद से आईब्रो बनाऊंगी एंड आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो जिनकी भी आईब्रो पार्लर में बिगड़ जाती है वो खुद से इस तरीके से घर पे कर सकते हो। उससे पहले आपको थोड़ा सा टेलकॉम पाउडर ले लेना है, एंड जो भी आपके आईब्रो का एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसको कट करके निकाल देंगे। देखिए यहाँ से इस तरीके से जितना भी एक्स्ट्रा हेयर है उसको कट कर देंगे। ओके, तो यहाँ से मैंने कट कर दिया, बट इस वाले आईब्रो में मुझे कुछ ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं लग रही है। तो इस तरीके से आप भी अपना अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा और कट कर लीजिएगा। एंड अब बात बारी आती है धागे को कैसे लेना है खुद से पकड़ने के लिए। हेयर स्टाइल देखिए, ये मेरी स्टूडेंट थी, मुझे मेरा भी बनाया था, वो काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसके साथ मेकअप कर लोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। धागे को लेने के लिए आप अपने फोरहेड के अकॉर्डिंग धागे को इस तरीके से पकड़ेंगे चारों साइड से। ओके, और इस तरीके से यहाँ से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद इसको इस तरीके से एक साथ लेंगे और गांठ लगा देंगे। ओके, गांठ लगाने के बाद इसको 5 बार इस तरीके से घुमाएंगे। ओके, और फिर नीचे की तरफ हाथ करेंगे एंड इसको चलाने का बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जब तक ये अच्छे से चलाने ना आ जाए आपको, तब तक आपको आईब्रो बनाने की कोशिश नहीं करनी है। जब धागा चलाने आ जाए तो आपको करना क्या है, इस तरीके से धागे को लेके जाएंगे, ध्यान से देखिए। और ये जो हमारी जिस साइड बड़ा वाला हिस्सा है, इस साइड की कैंची में अपने हेयर को इस तरीके से फंसाना है और धीरे धीरे रिमूव करना है। जल्दबाजी ना करें, अगर आप बैगनर्स हैं तो बिल्कुल आराम आराम से करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपकी जो थ्रेडिंग है वो सॉरी जो आपकी आईब्रो का शेप है वो बिगड़ सकता है। इस तरीके से बड़ा वाले हिस्से में हेयर को निकालना है। फिर से मैंने इस तरीके से 5 बार घुमा लिया है। बिल्कुल अच्छी सी शेप देनी है, जैसे आप कस्टमर का देते हो। कस्टमर्स का तो बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। इस तरीके से कैंची को बड़ा करना है और छोटे वाले पार्ट को इस तरीके से खींचना है जैसे मैं कर रही हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आप अपने पूरे फोरहेड को भी साफ कर सकते हो। तो ऊपर से ज़्यादा नहीं निकालना है हेयर को, बिल्कुल भी बिल्कुल हल्का हल्का निकालना है, जिससे कि आपका जो शेप है वो परफेक्ट आ जाए। हेयर को ज़्यादा ऊपर से नहीं निकालना। अगर ऊपर से आप हेयर को ज़्यादा निकालोगे तो क्या होगा कि आपकी जो थ्रेडिंग है वो नीचे की तरफ झुक जाएगी। ओके, तो ये परफेक्ट शेप दे दिया हमने। अब दूसरी साइड शेप देने के लिए आपको दूसरी साइड का जो धागा है इसको बड़ा करना है, और इस तरीके से बिल्कुल इससे नापते हुए ऐसे लेके जाएंगे और हेयर को रिमूव करेंगे। जितने भी छोटे छोटे हेयर हैं आपके बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से आपको ऊपर का शेप बनाना है अपना। इधर मेरी आईब्रो की ग्रोथ जो है वो बहुत कम है, तो उसके आप देख के अपना उस तरीके से बनाइएगा। अब इधर हमारी ऊपर से ग्रोथ है ही नहीं, तो बिल्कुल ऊपर ऊपर ज़्यादा ज़्यादा निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम लोग हेयर निकालते हैं तो वहाँ से ग्रोथ आने लग जाती है, इसलिए आपको इसमें बस चिपका हुआ आपको ग्रोथ हेयर निकालना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से। ओके, तो ऊपर का शेप तो हमारा बिल्कुल
परफेक्ट लग रहा है। अब नीचे का बनाएंगे, फिर हम दूसरी साइड का कैंची को बड़ा करेंगे और इस तरीके से टाइट रखेंगे आईब्रोज को, और बिल्कुल आराम से इस तरीके से लेके जाएंगे और एक अच्छी सी शेप देते हुए एक्स्ट्रा एयर को निकालेंगे। ओके, बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत कीजिएगा, बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे से करोगे तो आपका जो आईब्रो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। मुझे जाना था पार्लर में, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि मैम सेल्फ आईब्रो का वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इस तरीके से टाइट, बिल्कुल टाइट रखिएगा आईब्रोज को, क्योंकि स्किन यहाँ पे आप खुद से बनाते हो तो खींच तो सकते नहीं हो, ना किसी की हेल्प ले सकते हो, तो आपको इस तरीके से टाइट रखना है स्किन को और एक एक बाल को कैंची में फंसाना है और रिमूव करना है। तो ये सारे स्टेप जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे फॉलो करके आप अपना आईब्रो खुद से जैसा शेप चाहिए आपको वैसा आप घर पे बना सकते हो और पार्लर भी नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल एक परफेक्ट लाइन बननी चाहिए यहाँ पे। इस तरीके से टाइट रखना है और धीरे धीरे हेयर को निकालना है। अब इस साइड का इस तरीके से घुमा देंगे धागे को और एक शेप के अकॉर्डिंग सारे हेयर को निकालेंगे। तो आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको खुद से अपनी आईब्रो बनानी है। तो इस साइड का जो है बहुत अच्छे से हमारा शेप जो है वो बन चुका है। अब आपको जो एक्स्ट्रा हेयर लग रहे हैं उनको इस तरीके से आईज को खुद से खींच के और हेयर को रिमूव करना है। ये जो गांठ आ जाती है इसको पीछे रखना है, फिर से खोल सकते हो एंड बार बार घुमा के जैसे आपको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग अपने आईब्रो को बनाना है। बिल्कुल वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन बहुत हेल्पफुल है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जिनको भी खुद से आईब्रो बनाने में दिक्कत आती है वो ये वीडियो देख के अपना आईब्रो खुद से बना सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी उनको इस वीडियो के ज़रिए। धागे से अपना आईब्रो इस तरीके से आप खुद से बना सकते हो सेल्फ आईब्रो। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ग्रोथ है तो इसको मैं रिमूव कर लूँगी। तो आपने देखा इस साइड का आईब्रो मेरा बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। अब सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड का बनाना है, तो फिर दूसरी साइड की कैंची को बड़ा करेंगे एंड ये देखिए इसके अकॉर्डिंग ही ऊपर नीचे नहीं करना है, यहाँ पर मुझे लग रहा है ग्रोथ है थोड़ी सी, तो इसको रिमूव कर लेंगे पहले।
अब दूसरी साइड बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पे कैमरे में ही देख देख के बना रही हूँ, क्योंकि शीशा नहीं है सामने एंड अगर मैं शीशे में देखती हूँ तो आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो आपने देखा यहाँ पे मेरी ग्रोथ बहुत कम है, तो मैं इस साइड बिल्कुल भी टच नहीं कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको भी करना है। इस तरीके से अब आपको बिल्कुल आराम आराम से इस तरीके से हेयर को रिमूव करना है एक अच्छी सी शेप देते हुए। खुद से बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। अब इसी तरीके से पूरी परफेक्ट शेप देनी है आपको, जैसे हमने इस साइड में दी थी। मेरी थोड़ी आवाज़ चेंज लग रही होगी गाइस, तो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको भी करना है एंड एक अच्छी सी शेप देनी है अपने आईब्रो को, जैसा आपको चाहिए, क्योंकि पार्लर में अक्सर नहीं हो पाता है जैसा हमको चाहिए। कई पार्लर में तो बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन कई बार हमारी शेप जैसा हमको चाहिए वैसे नहीं बन पाता है। तो जब तक आपको खुद से आप इस तरीके से थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ बना सकते हो, जैसा आप पार्लर में बनवाओगे वैसा तो खुद से करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। एक्स्ट्रा हेयर जो भी है उनको निकाल लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा हेयर रहता है तो शेप जो होती है वो अच्छे से समझ में नहीं आती है।
जब तक एक परफेक्ट लाइन नहीं आ जाती है तब तक आपकी आईब्रो जो है वो परफेक्ट तरीके से नहीं बनेगी। तो ये जो लाइन जा रही है ऐसी आपकी भी बननी चाहिए, जैसे इस वाले आईब्रो में आई है चाहे इस वाले आईब्रो में आई है। तो उसके लिए आपको इस तरीके से धागे को लेके जाना है, ऐसे आगे की तरफ लेके आएंगे और ऐसे खींच देंगे। देखिए ऐसे लेके जाएंगे, हल्का सा इस तरीके से आगे की तरफ प्रेस करेंगे एंड इस तरीके से खींच देंगे। फिर से देखिए बड़े वाले कैंची को ऐसे लेके जाएंगे, हेयर को इसमें फंसाएंगे और इस तरीके से खींच देंगे। तो आपको एक प्रॉपर लाइन दिख रही होगी। अब इसके नीचे जितना भी हेयर है उसको बिल्कुल इस तरीके से हेयर में कैंची में फंसा फंसा के और निकाल देंगे। तो हमको जैसी शेप चाहिए थी ऑलमोस्ट वैसी बन चुकी है। फिर से हमारा गांठ जो है बीच में आ गया है, तो इसको साइड में करेंगे और एक ही बार में धागे में आपका पूरा थ्रेडिंग जो है वो कंप्लीट हो गया, आपको दूसरा धागा नहीं लेना पड़ा। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो बहुत ज़्यादा। तो जो लोग कहते हैं कि खुद से क्लीन नहीं हो पाते हैं उनके लिए एक टिप्स बता रही हूँ, इस तरीके से टाइट कीजिए एंड कैंची को थोड़ा सा इस तरीके से रगड़िए, स्किन पे रगड़ना नहीं है मतलब हल्के हाथ से ही रखना, बस स्किन में टच होना चाहिए धागा। और एक्स्ट्रा हेयर इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ज़्यादा रगड़ोगे तो कट भी लग सकती है, तो ज़्यादा भी नहीं रगड़ना है और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना, क्योंकि खुद से बना रहे हो तो दिक्कत हो सकती है। तो ये है फाइनल लुक आईब्रो का एंड सेंटर से कैसे हेयर को निकालना है। बहुत इजीली निकाल लोगे, ऐसे बड़ी वाली कैंची रखेंगे। इसी तरीके से आप चाहो तो पूरा फोरहेड का भी है रिमूव। तो ये आईब्रो को मैंने फील कर लिया है एंड ये है फाइनल लुक आईब्रो का। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको के लिए लेकर आ पाऊँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वाला हेयर स्टाइल देखना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट टाइम जरूर लेके आ जाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये है आईब्रो का फाइनल लुक। तो कैसी बनी है, हल्की फुल्की बची हुई तो उसको मैंने मिरर में देख के शीशे में देख के निकाल लिया है और खुद से इतना सुंदर सा शेप मैंने खुद से बनाया है। वीडियो कैसी लगी आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप कि हेल्पफुल लगी और आईब्रो की शेप कैसी बनी है
सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की हेयर स्टाइल, मेकअप ट्यूटोरियल और पार्लर का काम खुद से करते हैं, आप खुद से कैसे कर सकते हो या कस्टमर्स का कैसे कर सकते हो, सारी चीज़ें डिटेल में बताते रहती हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।